तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ में आ गया होगा कि किसके ऊपर है। अगर आप कोई भी बाइक परचेज करने वाले हैं तो ये वीडियो को भी स्किप ना करें, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हो सकता है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, जैसा कि 1 सितंबर 2019 को ही परिवहन विभाग द्वारा एक नया नियम जारी किया गया था, जिसमें आप बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन को उस सड़कों पर नहीं दौड़ा सकते। तो गाइस, यही है वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो हमें परिवहन विभाग के द्वारा दिया जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल इस नियम का उतना अच्छा से पालन नहीं किया गया, तो जिसके बाद एक बार फिर से सरकार सख्ती में आ गई है। परिवहन विभाग वालों ने फिर से एक बार नोटिस जारी किया है कि अगर कोई भी वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के अगर सड़क पर दौड़ रही है तो उसे जुर्माना भुगतना पड़ेगा, 5,000 रुपये का जुर्माना, और जिस शोरूम से आपने बाइक लिया है उस 10,000 रुपये का जुर्माना उसे भी लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और ऐसे में आपको जुर्माना लग सकता है। तो जब भी आप शोरूम पर जाएँ बाइक खरीदने के लिए तो कम से कम 5 से 7 दिन का समय ज़रूर लें। अगर आप आज शोरूम जा रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी का जो भी पेमेंट होता है वो पेमेंट क्लियर कर दें और कम से कम 5 से 7 दिन तक आप वेट करें, ताकि आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ गाड़ी मिले। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो गाइज, आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि परिवहन विभाग ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि आप किसी भी सिचुएशन में अगर आप बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहन को चला रहे हैं तो आपको जुर्माना भरना ही पड़ेगा। चाहे आपकी गलती हो या फिर शोरूम की गलती हो, उसे कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो आपके पास हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे में शोरूम वाले के पास अगर आप जब भी जाते हैं बाइक खरीदने के लिए जाते हैं तो जल्दबाजी ना करें, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा वक्त लग जाता है और आपको भी काफ़ी जल्दी रहती है बाइक खरीदने की। तो ये जल्दबाजी ना करें, आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। परिवहन विभाग की तरफ से जो नियम जारी हुए हैं उसका पूरा मैंने डाटा इस वीडियो में डाल दिया है और स्क्रीन पे शो करेगा, तो आप वीडियो को पॉज करके वो पूरी जो न्यूज़ है वो आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो गाइस, आप देख सकते हैं बिना नंबर निकल रहे हैं वाहन। इसके लिए सभी शोरूम संचालकों के साथ बैठकर उन्होंने नियमों की जानकारी भी दी गई थी। इसमें कहा गया था कि अधिकांश आपराधिक घटनाओं में बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों, खास करके बाइक का इस्तेमाल होता है। नंबर नहीं रहने से वाहन की पहचान करने में पुलिस को काफ़ी परेशानी होती है। साथ ही संचालकों को यह भी हिदायत दी गई थी कि अगर बिना नंबर प्लेट वाहन बाज़ार में पकड़े जाएंगे तो शोरूम संचालक पर 10,000 रुपये और वाहन मालिकों पर भी 5,000 रुपया जुर्माना लगाया जाएगा। ग्राहक की जल्दबाजी और व्यवस्था के अभाव में बिना नंबर के निकल रहे हैं वाहन। कई शोरूम संचालकों की माने तो बिना नंबर प्लेट के वाहन खरीदार को हैंडओवर करना नियम के खिलाफ है, लेकिन ग्राहक की जल्दबाजी और नंबर प्लेट उपलब्ध कराने में व्यवस्था कमी के कारण ऐसा होता है। संचालक की माने तो नंबर प्लेट इशू करने के विभिन्न कंपनियों के अलग अलग डीलर पॉइंट है। किसी शोरूम का डीलर पॉइंट पटना है तो किसी का पूर्णिया। ऐसे में नंबर प्लेट आते आते सप्ताह से 10 दिन का समय लग जाता है। वाहन खरीदार इतना इंतजार नहीं कर पाता। MVI राकेश कुमार ने कहा है कि किसी भी हालत में बिना नंबर प्लेट वाहन शोरूम नहीं निकलना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो पकड़े जाने पर संचालक और चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने को विभाग ने बिना नंबर वाहन देने पर लगाई थी रोक। आदेश में बिना नंबर शोरूम में वाहन निकलने पर जुर्माने का प्रावधान। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो गाइज आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड अगर चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक जल्द पहुँचाए।